ये हुड्डा की जन आक्रोश रैली का नजारा है जो कैमरे की नजर से आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे की एक और कहानी है जो आपको इन तस्वीरों में दिखाई नहीं दी होगी। वो कहानी आप सुनेंगे तो आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें ताकि आपको सियासी डोज यूं ही मिलती रहे। बने रहें अलग हरियाणा के साथ। अब चलते हैं उस कहानी पर जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। सोनीपत जिले की बरोदा विधानसभा सीट। रविवार को हरियाणा कांग्रेस के हुड्डा खेमे की जन आक्रोश रैली बरोदा गांव में हुई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में शरीक बरोदा विधानसभा सीट पर हुड्डा का अपना जलवा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए यहां के लोगों में खास दीवानगी देखने को बनती है। जो बातें हमने आपको अब तक बताई हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस हलके में कांग्रेस बनाम कांग्रेस की सियासत भी खूब चलती है। एक अनार 100 बीमार वाली इस विधानसभा सीट पर टिकट पाने वालों की भी लंबी कतार है। हाल में विधायक इंदुराज नरवाल हैं, वहां से शुरू करें तो उसके बाद डॉक्टर कपूर नरवाल, जीता, कर्नल रोहित, डॉक्टर जोगिंदर मोर, जगदीश भावड़, कुलदीप गंगाना, अनूप मलिक, रणदीप मलिक जैसे बहुतेरे लोग यहाँ से टिकट की चाहत रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जन आक्रोश रैली की खबर में टिकट चाहने वाले कहां से आ गए, तो सुनिए। जिस जगह रैली हुई वो बरोदा गांव के सरकारी स्कूल का मैदान था। उसको लगभग आधा करके रैली के लिए जगह बनाई गई थी, मंच उसके बाद थी और उसके आगे कुर्सियां। तकरीबन 3,500 कुर्सियां लगी थी, यानी कि 3,500 लोग कुर्सियों पर बैठे थे जो पूरी तरह लबालब थे। उसके अलावा मंच और इधर उधर के लोग जो खड़े थे उनको जोड़ने तकरीबन 1,500 और बनते हैं। कुल मिलाकर लगभग 5,000 की भीड़ यहाँ मौजूद थी, जिसको जोड़ने का दावा ये टॉप 10 टिकट मांगने वाले नेता कर रहे हैं। जबकि एक सच ये भी है कि इस हलके में हुड्डा का अपना रसूख है। अगर ये भीड़ उस रसूख की माने भी तो कोई गलत नहीं होगा। ऐसे में मौजूदा विधायक इंदुराज नरवाल और बाकी टिकट की चाह रखने वालों के हिस्से में कितनी भीड़ आई होगी आपको जवाब मिल गया होगा। यानी कि हुड्डा के अलावा सबका अणे खाली है। और इस इलाके में एक देसी मुहावरा प्रचलित है, गधी मरी पड़ी है और भाड़े सोनीपत के भरे है। हल्के स्तर की इस रैली में इतनी भीड़ कैमरे के फ्रेम के लिए तो ठीक कही जा सकती है, लेकिन जिनको जिम्मेवारी मिली, जो यहाँ से विधायक हैं या फिर वो लोग जो यहाँ से विधायक की कुर्सी की चाह रखते हैं, उन सबको मिलाकर इस रैली की भीड़ जुटाने का विश्लेषण करें तो 0/सन्नाटा ही पाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, अलग हरियाणा।